aquí, pues mejor la calle. लोकतंत्र में यूं ही तो मिला, और मिला ही क्या? भूख हड़ताल इसलिए चल रही है जी, हमारे जनपद बागपत में 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाया गया, जो कि सरकार के कतक प्रयासों से बना। हमारा सौभाग्य है कि वो एक्सप्रेस बना, लेकिन दुर्भाग्य उसमें ये है कि हमारे क्षेत्रों को इस एक्सप्रेस से कोई लाभ नहीं है। साइड में सर्विस रोड नहीं है, डिगोली बंथला मार्ग पर कट नहीं है, जिसमें लगभग हर चार तरफ को 500 गांव को लाभ होगा अगर डिकोली बंथला मार्ग पर कट होगा। लेकिन हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी जनपद बागपत में उद्घाटन करने के लिए आए थे एक्सप्रेसवे का, तब भी एसडीएम के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसकी जांच होके ही रह गई, लेकिन आज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने माननीय सतपाल सिंह जी को भी ज्ञापन दिया, माननीय नितिन गडकरी जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि अगर इस क्षेत्र को सर्विस रोड नहीं मिलेगा तो इस क्षेत्र में कोई भी तरक्की नहीं होगी। आखिर बागपत अब मांग ये है कि जनपद बागपत में ईस्टर्न फेरबेरवल एक्सप्रेसवे की साइड में सर्विस रोड की मांग है और डिकोली बंथला मार्ग पर कट की मांग है। अगर सर्विस रोड मिल जाता है तो उस पर ट्रैक्टर दुपहिया भी चल सकते हैं, क्योंकि जनहित की सारी समस्याओं का निदान ही सर्विस रोड है। जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं सब में सर्विस रोड अवेलेबल है। जब तक समस्या का निदान नहीं होता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।